दोस्तों, यदि आपके भी ब्लूटूथ हेडफोन के जो स्पीकर के वायर हैं वो गलती से टूट जाएं तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे अपने घर पर, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रिवेरा कंपनी का ब्लूटूथ हेडफोन है। सबसे पहले दोस्तों इसे हमें ओपन कर लेना है। जिस साइड से इसके वायर टूटे हैं यहाँ से हमें इसे ओपन करना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसे हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर का जो वायर है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ये इसके जो वायर हैं ये टूट गए हैं और जो बैटरी के वायर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो स्पीकर है जिसके वायर टूटे हैं, तो लगाने से पहले हमें एक काम हमेशा करना है कि जो स्पीकर है इसको पहले चेक कर लेना है कि कहीं अंदर से तो इसके जो वायर हैं वो खिंच तो नहीं गए हैं। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं। अभी दोस्तों ये जो स्पीकर के वायर हैं ये यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, तो अभी इसी कंडीशन में मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, आप चाहे कितना भी चेक कर लें इसको बट ये कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं दिखाएगा। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये जो वायर हैं इन वायर पर दोस्तों यहाँ पर पहले हमें शोल्डरिंग करना है हमारे शोल्डरिंग आयरन से, इसके बाद ही ये जो स्पीकर है ये यहाँ पर रीडिंग दिखाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर वायर को पहले शोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर पर हमने शोल्डरिंग लगा लिया है और अब इसकी जो रीडिंग है वो हम चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मीटर में आप देख सकते हैं जो रीडिंग है वो यहाँ पर अब दिखाने लगा है जो स्पीकर है, और स्पीकर भी हमारा एकदम ओके है, यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आपके ब्लूटूथ हेडफोन के वायर कभी भी टूट जाएं, लगाने से पहले इस स्पीकर को ज़रूर चेक करें। कभी कभी होता क्या है कि अंदर से जो वायर होता है वो दोस्तों ब्रेक हो जाता है और हमको पता नहीं चलता, इसके बाद हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि वायर लगाने के बाद भी जो स्पीकर है वो यहाँ पर आखिर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसके जो वायर हैं वो सोल्डरिंग कर लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर लगी हुई है, और इसमें कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि प्लस माइनस आप सीधे ही लगाएं, ऐसे प्लस माइनस सीधे लगाना चाहिए बट आप कैसे भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यदि हम इसके प्लस माइनस फाइंड करेंगे तो उसमें समय काफ़ी लग जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर शोल्डरिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों ये हमने वायर शोल्डरिंग तो कर लिया है बट हमें करना क्या है कि इसमें थोड़ा सा टेप रोल भी हम लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, टेप रोल लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वायर जो है वो आपस में शॉर्ट हो सकते हैं, इसलिए टेप हमें लगाना है। यदि आपके पास जो स्लिप आती है पाइप स्लिप वो भी आप लगा सकते हैं जो सीलिंग फ़ैन वगैरह में यूज़ की जाती है, फ़िलहाल वो मेरे पास है नहीं, वो किसी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। अभी आपको मैं सिंपल तरीके से शोल्डरिंग करना सिखा देता हूँ वायर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं वायर हमने इसमें भी शोल्डरिंग कर लिया है, इसमें भी जो थोड़ा सा टेप रोल है वो हम लगाएंगे। ताकि जो वायर हैं वो कहीं पर भी शॉर्ट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। तो ये हमने यहाँ पर जो वायर हैं ये लगा दिए हैं अच्छे से, और अब हमें करना क्या है कि ये जो वायर है पहले इस वायर को ही हमें यहाँ पर फिट कर देना है कुछ इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों जो बैटरी है इसकी, इस बैटरी को ऊपर से यहाँ पर फिक्स कर देना है ताकि ये जो वायर है ये निकले नहीं, इसलिए हम इसको ऊपर से फिट करेंगे। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये हमने लगा दिया है। चलिए अब इसका जो कैप है ये मैं लगा देता हूँ कैप को। तो ये वायर जो थे वो लगा दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने जो वायर की शोल्डरिंग है वो कर ली है। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं और इसका साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं कि दोनों स्पीकर में जो आवाज़ है वो आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले इसका पावर ऑन कर लेते हैं हम इस हेडफोन का।
तो पावर ऑन हो चुका है यहाँ पर, आप सुन सकते हैं साउंड यदि आपको सुनाई दे रहा हो तो। और अब जो मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन से मैं इसे कर लेता हूँ पहले कनेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रिवेरा RN B04 यहाँ पर आ गया है। कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। और चलिए यहाँ पर मैं इसमें कोई सॉन्ग प्ले करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, इस टाइप से ये जो ब्लूटूथ हेडफोन था रिवेरा का, ये हमने इसके जो वायर थे ये काफ़ी आसानी से हमने इनको लगा दिया है। और अब ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। दोस्तों यदि आपको ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड में समझाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं ब्लूटूथ हेडफोन में और उनको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने उन वीडियोस में बताया है इन्हें ब्लूटूथ हेडफोन को रिपेयर करने का तरीका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।